अध्यक्ष हूँ और मेरे साथ डॉक्टर इमरान चौधरी साहब हैं जो कि भारत फर्स्ट के राष्ट्रीय एडवाइज़र हैं और मेरे साथ डॉक्टर शमीम साहब हैं जो कि भारत फर्स्ट की उत्तर प्रदेश चैप्टर के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं और साथ में ही मेरे साथ डॉक्टर राजकुमार गुप्ता साहब हैं जो कि जम्मू कश्मीर गौ सेवा समिति के अध्यक्ष हैं। राज कुरैशी एडवोकेट। आज हम लोग जो जम्मू में आए हैं, जम्मू कश्मीर में जिस तरह से सेपरेटिस्ट मूवमेंट अपना काम कर रहा है जो कि भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहता है और कई बार सेपरेटिस्ट के बयान आए और साथ में ही पॉलिटिकल लीडर्स के भी बयान आए कि खासतौर पर महबूबा मुफ्ती या फारूक अब्दुल्ला वगैरह जैसे लोग कि जो भारत का झंडा भी नहीं उठाएंगे, ऐसे उन्होंने बयान दिए जो कि बहुत ही शर्मनाक है और एक भारतीय नागरिक होने के नाते से सभी को इसका दुख है क्योंकि हम सब एक झंडे के नीचे, अपने प्यारे तिरंगे के नीचे रहना चाहते हैं, रहते हैं और महसूस करते हैं कि हम लोग सभी अपने झंडे के नीचे ही सुरक्षित हैं, एक संविधान के नीचे ही सुरक्षित हैं क्योंकि हमारा जो मिशन है वो है वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन वन पीपल वन फ्लैग वन नेशनल एंथम। हम भारत माता की जय बोल के अपने आप को गर्वित महसूस करते हैं जबकि इन लोगों ने भारत को से अलग होने की जो प्रक्रिया अपनाई हुई है या इनकी मंशा है और ख़ासतौर पर ये पाकिस्तान और चाइना जैसे देशों की धमकियां हमको देते हैं, भारत को देते हैं कि हम उनसे मिल जाएंगे, तो हम उनको ये समझाना चाहते हैं, चेताना चाहते हैं कि भारत विश्व गुरु की तरफ बढ़ने वाला देश है, उसकी जो प्रजातंत्र है, जो उसकी डेमोक्रेसी है वो विश्व में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में शामिल है और ऐसे में आपको मैं उनको चेताना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को सावधान रहना चाहिए, भारत के साथ मिलकर काम करना चाहिए क्योंकि भारत में ही आपका वजूद है, भारत ने आपको इज्जत दी, हर तरह की चीज़ें दी और आज आप भारत के खिलाफ ही बोलते हो तो आपका ज़मीर ज़ीरो हो चुका है, आपकी आत्मा मर चुकी है और आपको भारत के अगेंस्ट में बोलने का जो वो है और साथ में ही आप जो भड़का रहे हैं कश्मीर की जनता को वो आप प्लीज़ बंद कर दीजिए क्योंकि वो अच्छी चीज़ नहीं है क्योंकि आर्टिकल 370 और 35 से समाप्त हो चुका है। आज भारत में का एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, एक ही झंडा है, एक ही निशान है, एक ही विधान है, हम उस पर चलने वाले लोग हैं और आप हमारे साथ शांति से रहेंगे, भारत को बढ़ाएंगे तो आपके हित में भी होगा, भारत के हित में भी होगा और हम सब चाहते हैं कि भारत विश्व गुरु बन जाए जल्दी से जल्दी और कश्मीर और कश्मीरियत दोनों ही सुरक्षित रहे और दोनों ही फले फूले और चूंकि वो भारत का अभिन्न अंग है कश्मीर, तो हम चाहते हैं कि कश्मीर में भी विकास की गंगा बहे। जय हिंद।